अभी विंग के नीचे हो, विंग के नीचे प्लेन के अंदर आ गए हैं। अब विंडो विंडो बैठो। फिर कह रहे ये नहीं खुलती क्या? ये खुल गई ना, सारे खुल जाएंगे। खाना पीना खाना है तो इसको खोल सकते हो। और खाना पीना निकाल ये उड़ा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी गाइस सुबह के 5 बजने वाले हैं। फिलहाल मैं उठ गया हूँ बिकॉज आज जाना है मुंबई। मेरा और पीरू का एक पॉडकास्ट है, हमारा पहला पॉडकास्ट जो कि मुंबई में है। तो हमको निकलना है मुंबई के लिए और आज पीरू की फर्स्ट फ्लाइट भी है, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है उसका। तो मैं, बब्बू दी और पीरू जा रहे हैं, तो उनको पिक करना है, फिर चलेंगे सीधा एयरपोर्ट, फिर सीधा मुंबई। तो चलो नहाता हूँ, रेडी होता हूँ, फिर निकलते हैं। हमारी सुबह 9 बजे की फ्लाइट है तो 7 बजे तक हमको एयरपोर्ट पहुँचना है। तो भी नहा धो के मस्त रेडी हो गया हूँ और टाइम हो गया सुबह के 5:30, तो निकलते हैं। गाइस मैं तो रेडी होके निकल गया, बट पता नहीं पीरू और बब्बू रेडी हुए होंगे नहीं होंगे। मैं जा रहा हूँ उनके पास में, देखते हैं। घर से तो निकल गया हूँ और अभी अंधेरा ही हो रहा है। गाइस मैं पिछले 40 मिनट से वेट कर रहा हूँ, अभी तक नहीं आया है। मुझे वेट करना पसंद भी नहीं है। टाइम देखो 6:40 हो चुके हैं और 9 बजे की फ्लाइट है। वैसे टाइम है अभी, बट फिर भी जल्दी जाना चाहिए ना। 45 मिनट लेट भाई, 45 मिनट लेट। आपकी पहली फ्लाइट है, फिर भी एक्साइटमेंट नहीं है क्या? मेरे को तो एक्साइटमेंट के मारे नींद ही नहीं आई। मेरे को ऐसे हो रहा था कि अगर मेरा आधार कार्ड उस टाइम नहीं मिला तो मेरा क्या होगा। सब आधार कार्ड की जरूरत ही नहीं, अब तो वो हो गया ना। चलो फाइनली मिल गए हैं 45 मिनट वेट करने के बाद। अब चलते हैं एयरपोर्ट, देखते हैं। वैसे फॉग बहुत हो रहा है आजकल, फ्लाइट बहुत डिले हो रही है। होपफुली हमारी ना हो, क्योंकि पीरू की पहली फ्लाइट है आज। पहली फ्लाइट में पोपट हो जाए। एयरपोर्ट पहुंच गए। डर किस चीज का? पता नहीं, बस डर लग रहा है। फर्स्ट टाइम डर लगता है, मुझे भी फर्स्ट टाइम बहुत डर लगा था। देखो आपको चाहिए आधार कार्ड और टिकट, बस दो चीजें चाहिए अंदर घुसने के लिए। फाइनली अंदर आ गए हैं। कुछ नहीं करना ना। अब सिक्योरिटी चेक, अब सारा सामान चेक होगा आपका, जो जो आप लेके घूम रहे हो ना अपना। कुछ शार्प चीज तो नहीं लेके आए ना? कुछ शार्प चीज या फिर कुछ ऐसा लाइटर, बीड़ी तो, बीड़ी तो, सिगरेट विगरेट, माचिस वाचिस कुछ नहीं लाए ना? गाइज इनका तो सामान नहीं होगा, बट मेरा होगा सारा सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ना। अब यहाँ पे ट्रे में सारा सामान डालना आपको बस। मेरे को 3 ट्रे लगती हैं, इलेक्ट्रॉनिक, बैग और जैकेट। सिक्योरिटी चेक भी हो चुका है, अब जा रहे हैं गेट की तरफ। तो कैसा लगा? डर लगा। अभी भी डर लग रहा है? अब देखो, मेरे पास कुछ नहीं था तब भी मेरे को डर लग रहा था। भाई बैग में पता क्या लेके घूम रही है? सुई धागा। लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं सुई धागा के लिए, पता नहीं सुई धागा ले जा सकते नहीं जा सकते। अब हम आगे खाने के लिए, तो ब्रेकफास्ट करते हैं पोहा वड़ा पाव। पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन में, बट सीरियसली गाइस बहुत भीड़ है, देखो बहुत ज्यादा। यहाँ बैठने की जगह ही नहीं है, यहाँ पे तो ढूंढ रहे हैं बैठने की जगह। गाइस पीरू का पहला एक्सपीरियंस देखो, खड़े खड़े सीट ही नहीं मिली। गाइस हमारा बहुत बड़ा पोपट हो चुका है, हमारी फ्लाइट बहुत डिले हो गई है। एक घंटा बेचारी पीरू, फाइनली जगह तो मिल गई बैठने की, एयरपोर्ट की कुर्सी में बैठी हूँ। अब यहाँ से बस में जाना है हमको। मैं नहीं खेल रही, एरोप्लेन वाला सीन कब आया? पीरू बार बार बोल रही है डर लग रहा है, डर लग रहा है, वो इतनी बार बोल रही है डर लग रहा है, डर लग रहा है। आपके ब्लॉग का नाम डर लग रहा है। मेरे का है डर लग रहा है ना। अभी विंग के नीचे हो, विंग के नीचे। मेरा पहला कदम। प्लेन के अंदर आ गए हैं, तीनों की सीट साथ में है। आप विंडो विंडो बैठो भाई, तीनों ब्लॉगर। पीरू कह रही ये नहीं खुलती क्या? ये खुल गई ना, सारे खुल जाएंगे। उल्टी करने वाला भी है? खाना पीना खाना है तो इसको खोल सकते हो। और खाना पीना निकालना। पॉडकास्ट के लिए एक्साइटेड? तो पहली बार किसी इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में आप हम दोनों को साथ में देखोगे, तो मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। मस्त बातें होंगी वहाँ पे, तो मस्त बातें होंगी वहाँ पे। थैंक यू। जब हम मिले थे तो हम दिल्ली में पैदल लौटते थे, याद है? मेट्रो में लौटते थे, हमारे पास ना गाड़ी थी ना कुछ। और आज देखो भाई साथ में जा रहे हैं, चल के मुंबई पहुंचा। नहीं, चल चल के नहीं जाएगा। अभी वो रनवे पे जा रहे हैं ना, उसको रनवे मिलेगा, फिर वो एकदम से इंजन ऑन करके एकदम से उड़ जाएगा। ये उड़ा, ये उड़ा। वो देखो उधर, देखो ना। फॉग हो गया, अब बादलों के ऊपर जाएंगे हम, देखना एरोप्लेन की परछाई भी दिख रही है। अभी हमको एक और प्लेन दिखा, ये देखो ये वाइट कलर का, इतना मस्त लग रहा है ना।
above the mountains, over the sea. तो अब जा रहे हैं प्लेन से बाहर. तो अब गाइस हम वेट कर रहे हैं विनीत भाई का, वो आ रहे हैं हमको लेने के लिए, फिर चलते हैं सीधा यहाँ से होटल. विनीत भाई आ गए हैं फाइनली. सबसे पहले हम आए खाना खाने के लिए हमारी फेवरेट जगह पे. सबसे पहले हम पी रहे हैं मस्त सूप मसाला पापड़. अब चलते हैं सीधा होटल. गाइस ये पंखा देखो कैसे लगा रखे भाई, लकड़ी पंखा लगा रखे, क्या मस्त लग रहा है. तो गाइस होटल पहुंच गए और चलते हैं रूम में, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर चलेंगे पॉडकास्ट के लिए. गाइस ये देखो कितना मस्त लग रहा है, येलो और वाइट. ये अपना रूम नंबर, काफी प्यारा सा रूम है देखो, येलो और वाइट, गोल शीशा. तो भी गाइस मैं तो रेडी हो गया हूँ पॉडकास्ट शूट के लिए. अब पीरू और बबूदी से पूछते हैं और फिर निकलते हैं. तो भी गाइस पहुंच गया लोकेशन पे, जा रहे हैं ऊपर स्टूडियो में. तो गाइस पहुंच गया लोकेशन पे स्टूडियो में, और पता है कौन सा स्टूडियो है? ये वही स्टूडियो है जहाँ पे मेरा भारती मैम वाला पॉडकास्ट हुआ था. यहाँ बैठ के गाइस देखो ये वही स्टूडियो है पूरा, और आज हमारा होगा यहाँ पे. और यहाँ पे हमारे डायरेक्टर साहब भी आ चुके हैं जिनकी शादी होने वाली है. हमारे पॉडकास्ट का नाम है द अनबॉक्सिंग पॉडकास्ट. कैमरा सेटअप हो रहा है यहाँ पे, एक कैमरा यहाँ पे है, एक कैमरा यहाँ पे है. अरे आपकी नाक लगी है. अरे नाक तो लगी है. मेरे पॉडकास्ट के पहले मेरा प्रैंक हो चुका है. तो नाक तो सबकी लगी है यार, उसमें क्या है? नाक लगी, मुझे लगा कुछ नाक से बाहर निकल गया. नाक तो नहीं, सर्दी नहीं है मुझे. 1 2 3 स्टार्ट. तो सौरभ लैपटॉप. गाइस जो बातें हुई है ना, जो फन हुआ है भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल था. फर्स्ट टाइम हमने साथ में इंटरव्यू दिया, पॉडकास्ट दिया, तो कैसा लगा? सच बताओ कैसा लगा? मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया. तो वो आप जाके देखना, जल्दी ही आएगा. ये अलग फील है, ये अलग फील है, ये अलग फील है, और ये अलग फील है. इसके अंदर 2D है, इसके अंदर 2D है. ये देखो, और ये देखो इसके यहाँ पे देखो. तो गाइस अब जाने का टाइम आ चुका है, तो अब मिलते हैं कल. अब कल चलेंगे मुंबई घूमने के लिए. पहली बार पीरू मुंबई आई है, तो पीरू को मुंबई घुमाएंगे. मस्त, गुड नाइट. यार ये इतना मस्त लग रहा है ना, येलो येलो. तो गाइस इसी के साथ में स्लो करता हूँ एंड. आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पे सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऐसे चलेगा अभी, तो अभी ऐसे है ना, ऐसे हो जाएगा, फिर स्टेबल हो जाएगा. झूले की तरह लग रहा है ना. हाँ.